आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के आदेश की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम विद्यालय के बाहर स्थित हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो विद्यालय परिसर को दिखाएं। हम इस समय मौजूद हैं यहाँ स्टडीविल पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी के आदेश की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ पे पूरा स्टाफ बुला के पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। अभी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे स्कूल में, विद्यालय में मुख्यमंत्री जी की धज्जियां उड़ाई जा रही है आदेश की। आप देखिए यहाँ पे पूरा स्टाफ इस समय मौजूद है और उनसे कार्य लिया जा रहा है। और स्टाफ वही है तो सामने को बैठे, सामने नहीं है ना? नहीं, बस यही ऑफिस है। और इस संबंध में हम यहाँ पे डायरेक्टर साहब मौजूद हैं स्टडीबेल स्कूल के, उनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पे जो स्टाफ बुला रहे हैं वो लोगों को क्यों बुला रहे हैं और क्या उनसे कार्य करवा रहे हैं, बात करते हैं उनसे। जी बताएं। ये 3-4 का स्टाफ यहाँ है जो कोई ऊपर स्कूल कैंपस में ही रह रहा है और इनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लोड वगैरह कराए जाते हैं। नहीं, 3-4 का तो नहीं है यहाँ पे, लगभग 15 लोग हमारे पास। 15 लोग नहीं है भैया, आप देख सकते हैं कैमरे में बराबर रिकॉर्डिंग कर। 15 लोग का स्टाफ नहीं है, 3-4 लोग का स्टाफ है। चलिए वो तो हमारे कैमरे में है जो भी है वो तो दिख जाएगा। बाकी आप किस लिए बुला रहे हैं लोगों को? ये ऑनलाइन भैया क्लासेस चल रही है, उसी के सब सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम? विनीत। ये यहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो लोग है वो लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग 15 लोगों का स्टाफ पाया गया है, जो कि शार्क मीडिया ने यहाँ पे देखा है और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने लोग है यहाँ पे। और यहाँ पे गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों से वो लोग आते हैं वो गाड़ियाँ भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरी तरीके से। प्रवीर सिंह बोल रहा हूँ शार्क मीडिया से। मैम, जानकारी चाहिए थी मुझे कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं क्या ये अपने स्टाफ को बुला सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बुला सकते। अच्छा, ऐसे मैम हमारे पास ऐसी कुछ जानकारी आई थी और जिसको मैंने अभी किया भी और उसमें हम लोगों को मिला भी है कि वहाँ पर स्टाफ को प्रॉपर बुलाया भी जा रहा है। कहाँ पे बुलाया जा रहा है? ये स्टडीवेल स्कूल में, मैं वहीं पर हूँ। और मैंने कौन सा ब्रांच है? स्टडीवेल जो ये भरत पैलेस के बैक साइड में। बड़ा अच्छा अच्छा हाँ जी ओके। और हम लोग अभी यहीं पर अवेलेबल भी हैं। ओके ओके जी मैम, ओके ठीक। मैं प्रवीर सिंह बोल रहा हूँ शार्क मीडिया से, सीतापुर से। जी बताएं। मैं ये जानकारी इस समय करना चाह रहा था और देना भी चाह रहा था आपको कि क्या इस समय के विद्यालय में जो ये आपके हैं जैसे मान्यता प्राप्त विद्यालय जैसे, इनमें क्या स्टाफ को बुला करके वर्किंग कराने का कुछ है अपने का? नहीं। अच्छा, तो जैसे सीतापुर में स्टडीवेल स्कूल है, स्टडीवेल ठीक है, स्टडीवेल हाँ, भरत पैलेस के बैक साइड में जो है ठीक है, तो वहाँ पर लगभग में ये लोग 10-15-12 स्टाफ बुला करके प्रॉपर पर डे कंटिन्यू वर्क करा रहे हैं। एट प्रेजेंट टाइम मैं भी वहीं पर था और मैंने अभी इनकी जो है एक बाइट भी ली और इनसे पूछा भी ठीक है, तो इनका मतलब अभी कहने का कि 2-3 लोग हैं, बाकी लोगों को इन्होंने अपना अंदर स्टाफ में अंदर वो कर दिया। तो अभी मैंने SDM साहब से भी जी बात करता हूँ, उनको जारी करता हूँ, उनको एक नोटिस भी जारी कराता हूँ यदि इनका फी हो रहे हैं। मैंने अभी जब इसके ऊपर डिस्कस किया तो इन्होंने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ करा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्लासेस का निर्देश ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग भी करा रहे हैं बच्चों को, कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी शिक्षण प्रक्रिया से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से बच्चों तक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को जारी रह सके, लेकिन और इस तरह का कोई निर्देश नहीं है। हाँ, कि स्कूल में टीचरों को बुला करके उनको वर्क भी कराया जाए। कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने सीक्रेटली मुझे जो है इन्फॉर्म भी किया है कि प्रॉपर पर डे बुला रहे हैं, सीक्रेटली मतलब अपने मैनेजमेंट से ठीक है, उन्होंने अपना वो छुप करके अपना, जैसे मुझे अभी जैसे मैं गया ठीक है, तो उन्होंने मुझे सीक्रेटली कि पर डे बहुत ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा होता है तो हम 1-2 लोगों को अपनी गाड़ी से उठवा लेते हैं, कुछ लोग जो नजदीक के आसपास के लोग हैं उन लोगों को ही अपना बुला लेते हैं, ऑन टाइम बुलाते हैं कि सुबह और उसके बाद हो सकता है। मान लीजिए ठीक है, दो एक बंदे, 3 बंदे जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं
ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखना है तो फिर ज्यादा स्टाफ को नहीं बुलाना चाहिए ना। हाँ, मेरे पास लगभग में यहाँ पर 10-12 मोटरसाइकिलें पड़ चुके हैं भाई, अगर स्टाफ है तो 10-12 मोटरसाइकिल अंदर स्कूल के अंदर पॉसिबल नहीं है खड़ी होना फिर, ठीक है। प्लस इनको इनका कहना है कि ऊपर कुछ हमारे कुछ स्टाफ के रहते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, तो उस ऊपर जो रहते हैं वो केवल एक मैडम है जो रहती है और एक प्यून रहता है इनका ऊपर है, ठीक है, जैसे कि हाँ ठीक है, लेकिन अदर स्टाफ फिर कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल भी बाहर से आ रहे हैं, जो प्रिंसिपल है वो आनंद नगर के रहने वाले हैं और आनंद नगर से आते हैं, तो डेट्स मीन्स वो भी आए हैं वॉकिंग करके ही आए होंगे यहाँ पर, ठीक है, और पर डे आना इनका ये बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, यदि उनका वो रहता है नहीं करते हैं तो उनको छोड़ के जी और देखता हूँ कार्रवाई है। अभी पहले मैं नगर अधिकारी से बात करती है, ठीक है, बाकी एट प्रेजेंट टाइम मैं हूँ, अगर आप इफ यू हैव अ टाइम तो अगर आप चाहो किसी का नंबर है प्रिंसिपल का आपके पास एट सेम टाइम? नहीं, प्रिंसिपल का नंबर तो नहीं है, मैंने पूछ लिया, मैं ले लूँ, ठीक नहीं आपने नहीं किया। कैमरामैन प्रवीर सिंह के साथ शैलेन्द्र विक्रम सिंह की रिपोर्ट, सीतापुर, शार्प मीडिया।